जतगुनी सुधारनु बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, तेरी आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, हो गया भजन। कथा आपको और हमको सुनाती है अपने जीवन को सुधारो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा बना के खाओ, अच्छे घूमो। और अब तो समय की मांग है कि बाहर का खाना छोड़ दो। अगर जीवन अच्छा चाहते हो, शरीर अच्छा चाहते हो, विचार अच्छा चाहते हो, तो बाहर का खाना कम करो। आपको पता है कैसे बनता है, कौन बनाता है, किस तरह बनता है। जब तक जहाँ तक वो अपने घर में बने के खाओ, जो भी इच्छा लगे, बाहर के उष्ट का उपयोग मत करो। ये टीवी में रोज दिखाते हैं कि हर एक चीज में क्या क्या मिलता है, इसलिए जितना हो सके उतना अपने घर बना के खाओ। मन की तरंग को मार दो, इस जीवन में बहुत लालच है, उसको कम करो। जैसे आपको रोज खाना चाहिए, खाने बिना नहीं चलता, इसी तरह कथा भी आपको रेल जरूरी है। लोग कहते हैं हमने कथा बहुत सुन लिया, बहुत सुन लिया, सुन के क्या किया तुमने, तुम्हारा खाना तो छूटा नहीं। जब खाना तुम्हें रोज चाहिए तो भगवान कृष्ण इस तरह मेरी कथा भी रोज सुनो, समय मिलता है निकालो। और जो सुनो अपने जीवन में उतारो, इस कान से सुन से इस कान से मत निकालो। भगवान ने कुवलिया पीर को मारा, कंस ने मुष्टिक और पहलवानों को बुलाया, चारों मुष्टिक आए, भगवान ने उसे भी मार डाला। फिर बलराम को कहा कि ये लोगों को तुम लिपटो, मैं अभी आता हूँ मामा से मिलकर। कंस बैठा था 32 पगथिया चढ़कर 32 सीढ़ी के ऊपर बैठा था, और भगवान कृष्ण दौड़े और कंस को कहा, ओ मामा, वही मैं तुम्हारी बहन का आठवां बालक हूँ जो आकाशवाणी ने कहा था मैं तुम्हारा काल हूँ। ऐसा करके भगवान कंस, कृष्ण ने कंस का केस पकड़ लिया। कंस लड़ने को दौड़ा, भगवान के सामने तलवार उठाई, भगवान उसे पैर पकड़कर खींचेटा नीचे गिराया, और समाज के सामने उसको घिसट के लाए। सारे मथुरावासी देख रहे हैं, भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण ने कंस को उठा के पटक दिया, साथी पर बैठ गए और कहने लगा, अरे वो दुष्ट जो आकाशवाणी थी, जो आकाशवाणी ने कहा था, आकाशवाणी कभी झूठ नहीं हो सकती है। तूने अपनी माँ को मारा, अपने बाप को जेल में डाला, अपने माँ को मारा, अपने भाइयों को मारा, तुमने अपनी बहन के भांजों को मारा, अपनी बहन को जेल में डाला, अपने जीजा को जेल में डाला, अब तुम कहाँ बचोगे। भगवान कृष्ण ने कंस को याद दिलाया, याद है आकाशवाणी, और तुमने हमारी माँ का केस पकड़ा, वही हाथ है, अब वही मैं कृष्ण हूँ, तुम्हारा आठवां काल हूँ जो आकाशवाणी ने कहा था। बताओ अब तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें कौन बचाएंगे। देखो तुम्हारा ससुरा भी भाग रहा है, तुम्हारी पत्नियाँ भाग रही है, तुम्हारा भाई लोग भाग रहे हैं, तुम्हारे सेवक भाग रहे हैं। मामा, घर वाले ही काम आते हैं और कोई काम नहीं देते। ऐसा करके कृष्ण भगवान ने एक मुक्का साथी में मारा, कंस के मुँह से खून निकल आया, आँखें बाहर निकल आई, भगवान ने गला घोट कर कंस को मार दिया। देवताओं ने पुष्प वर्षा करी, ऋषियों ने जय जयकार करी, और सारा मथुरावासी बोल गए, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रजवर भगवान की, राधा रमन भगवान की। भगवान के चारों तरफ जय जयकार हुई, कंस की मृत्यु हुई। भगवान कृष्ण बलराम काला गृह में गए, अपने माता पिता को छुड़ाया, नलाया धोलाया, वस्त्र पहनाए, प्रार्थना की, क्षमा करना, माँ की सेवा न कर सके इस पापी के वजह से क्षमा कर देना। फिर कंस के पिता उग्रसेन को छुड़वाया, उसके दाढ़ी करवाई, हजामत करवाई, नलाया धोलाया, वस्त्र आभूषण पहनाया, और सारे मथुरा नगरी को इकट्ठा करके कहा कि आज से हमारा राजा ये होगा। उग्रसेन ने कहा, कृष्ण तुम राजा बनो। बोले, नहीं, मैं राजा बनने के लिए, मैं तो पापियों को मारने के लिए आया हूं, मैं सत्ता के लिए नहीं आया हूं, मैं सत्य के लिए आया हूं, और जो सत्ता के पीछे पागल बनते हैं उसको मैं बेमौत मारता हूं, उसके वंश को निकाल देता हूं। इसलिए सत्ता वाले के लिए कृष्ण एक चेतावनी देते हैं कि मैं सत्य के लिए आया हूं, और सत्य वाले को, सत्ता वाले को सत्य का दबाव होना चाहिए, सत्य ही बोलना चाहिए, सत्य ही आचरना चाहिए, सत्य के लिए, क्योंकि सत्य ही तो देश है, और देश वो भगवान है, भगवान ही तो ये वैराट रूप है जो दुनिया में तुम देख रहे हो। इसलिए उग्रसेन को राज्य दे दिया,
नंद बाबा को गोप मित्र को समझा के भेज दिया, अपने उज्जैन में गए, 12 साल तक गुरुकुल में पढ़ा, गुरुदेव के मरे हुए बच्चे को ला दिया, सुदामा से मित्रता की और भगवान वापस आए दोनों भाई। जरासंध को पता चला मेरे दामाद को मार दिया, जरासंध बार बार सेना लेकर आता है, युद्ध करता है, भगवान कृष्ण बलराम उसको हरा देते हैं। 70 बार जरासंध ने हराया, भगवान कृष्ण ने कहा बड़े भैया ये अब हमको चैन नहीं लेने देगा और अभी इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है, उसको शंकर का वरदान है, अभी उसकी आयुष 22 साल की है, अभी और 22 साल तक जिएगा, इसलिए इसको मारना जरूरी नहीं है, आप ऐसा करो सब यादों को लेके गुजरात में चले जाओ और मैं इसका काम तमाम करके आता हूं। रात में यादव लोग सोए थे, बलराम शेष नारायण का अवतार है, अपने पृथ्वी के समेत माया में मोह से सारे यादों को गुजरात में बता दिया, समुद्र के बीच में एक नगरी थी उसमें सबको सुला दिया। सुबह में सब उठने और कहने लगे दरवाजा किधर है, द्वार कहाँ कहाँ है, द्वार कहाँ द्वार कहाँ, मतलब दरवाजा कहाँ है, दरवाजा ढूंढ रहे थे, द्वार का बोल रहे थे, तो ऋषियों ने बोला दिया बोलिए द्वारका दीज भगवान की जय, तब से नाम द्वारका पड़ गया। इधर जरासंध को पता चला कि कन्या मायावी है, चालाक है, वो मेरे से नहीं मरेगा, इसलिए जरासंध का एक मित्र था काल यौवन, उसको ब्रह्मा का वरदान था कि तुम्हें ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान कृष्ण कोई नहीं मार सकेगा, मगर तुम जिस आदमी सोया होगा उसको उठाओगे जल जाओगे। भगवान कृष्ण जानते थे कि व्यक्ति मेरे से मरने वाला नहीं, इसका पाप का घड़ा भी भरा नहीं, पाप का घड़ा भरता है अपने आप फूटता है और आदमी बेमौत मरता है, इसलिए भगवान कृष्ण दौड़ने लगे मथुरा छोड़कर, कालयवन इसके पीछे दौड़ पड़ा और कहने लगा ओ रणसोर रण को छोड़ने वाले, मैदान को छोड़ने वाले, ठहर जा ओ रणसोर कहता रहा तो भगवान का नाम पड़ गया बोलिए रणसोर राय भगवान जय, और भगवान गुजरात में चले गए। जैसे तुम्हारा गोवर्धन है, ये गोवर्धन का बड़ा भाई है गिरनार, उसको बोलते रेवत पर्वत, बलराम का ससुराल है, वो बलराम का ससुरु है जिसका नाम है गिरनार। हमारे गुजरात में जैसे आप गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वो हमारे गिरनार की परिक्रमा करते हैं, चा माता अनसुया भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु और सब बड़े बड़े तपस्वी लोग रहते हैं, भगवान कृष्ण भी अपने कुटुंब को लेके जाते थे परिक्रमा करते थे, भगवान बलराम जाते थे, बलराम का ससुराल था, उस गिरिराज के पर्वत पर गए और एक गुफा के अंदर भगवान चले गए। कालयवन भी पीछे पीछे आया, भगवान ने देखा एक आदमी सोया है, अपना पीताम्बर उड़ा दिया और भगवान सुख गए। कालयवन ने देखा कि यही भगवान है, जरा ध्यान दे के सुनना, जो ये कथा सुनता है उसके पितरों को, जितनी देर तब तुम कथा सुनोगे तब तक तुम्हारे पितरों को गंदी चीज सामने नहीं आएगी और तुम ठीक से सुनोगे तो तुम्हारे बुरे विचार नहीं आएंगे, इसलिए भगवान कृष्ण ने उस गुफा में प्रवेश किया और सुबह गए। कालयवन ने देखा कि भगवान सोए हैं, एक लात लगाई, वो राजा बहुत सालों से सोया हुआ था, कई युगों से, आहिस्ता आहिस्ता उसने आंख खोली और सोचा कि मुझे किसने जगाया, सामने देखा तो कालयवन राक्षस खड़ा था, राजा को बड़ा क्रोध आया, तो उसकी आंख में से अग्नि निकली और वो राक्षस जल के खाक हो गया, देवताओं ने जय जयकार किया बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। तुम्हारी आंखों में भी ऐसी ताकत है, बुराई छोड़ना देख लो, बुरा देखना छोड़ दो तो तुम्हारी आंखों में भी ताकत हो जाएगी, जिसकी आंख में आंख डालोगे वो तुम्हारा हो जाएगा, मगर पाप दृष्टि से देखोगे तो आंख की ताकत खत्म हो जाएगी, आंखों में बहुत ताकत है। भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति 9 दिन तक अपने सामने दिया जला के अपने इष्ट का पूजन करते जो बैठ जाता है और आंख का पलकारा नहीं लगाता तो दीवार फट जाती है, कितनी ताकत है आपकी आंख में। राजा ने देखा राक्षस जल गया, अपने शरीर पर देखा भगवान का वस्त्र, उसने चारों तरफ नजर की तो भगवान ने चतुर्भुज दर्शन किया बोलिए नारायण भगवान की जय। राजा खड़ा हो गया, भगवान को स्तुति करने लगा, भगवान ने कहो मांगो मांगो,
राजा ने कहा मैंने सोने में जिंदगी निकाल दिया, मुझे तुम्हारी भक्ति चाहिए। भगवान ने कहा अब तुम्हारा समय पूरा हो गया, दूसरे जन्म में तुम यही जन्मोगे, तुम्हारा नाम नरसिंह होगा, नरसिंह मेहता करके लोग बुलाएंगे, तुम्हारे भजन, तुम्हारे कीर्तन, तुम्हारे काम दुनिया याद करेगी, दुनिया तुम्हारी कथा कहेगी, और जब भी मुझे बुलाओगे तो मैं आऊंगा। वही मुस्कुंद राजा अयोध्या का राजा था, दूसरे जन्म में नरसिंह हुआ और भगवान ने उसके 52 काम किए, उसके बेटी का विवाह किया, शादी किया, बेटे का, घर का, तमाम काम भगवान करते थे और हुंडिया लिखते थे। नरसिंह मेहता जैसा भगवान का कोई भक्त नहीं हुआ हमारे गुजरात में, जैसे रसखान, सूरदास जी, तुलसीदास जी, गुरु नानक देव जी, कबीरदास जी, मीराबाई हो गई, ऐसे नरसिंह होया। नरसिंह जैसी किसी की भक्ति नहीं, नरसिंह जितना किसी भगवान ने किसी भक्त का काम नहीं किया, मीरा का भी नहीं, कबीर का नहीं, ध्रुव, प्रहलाद, किसी भक्त का नहीं जितना काम नरसिंह का किया। आज भी कभी आओ तो वहां दाबो कुंड है, जैसे राधा कुंड है यहाँ, वहां दाबो कुंड है। जो व्यक्ति नाता उसके दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म होता है और भगवान की प्राप्ति होती है, और जो मुक्त होना चाहता है वो स्वर्ग में जाता है। और आज भी वो गुफा है जिसका नाम है मुस्कुंद गुफा, कभी आना गुजरात में, हम आपको दर्शन कराएंगे। कहने का भाव, भगवान ने मुस्कुंद का उद्धार किया, फिर भगवान द्वारका बधारे, द्वारका वालों ने भगवान का स्वागत किया और भगवान को कहने लगे स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम, सुस्वागतम, चरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। भगवान को द्वारका वासियों ने स्वागत किया, भगवान अपने माता पिता को प्रणाम किया, दाऊ जी को प्रणाम किया, यादवों को मिले। इधर रुक्ष्मणी को पता चला कि मेरी शादी शिशुपाल से हो रही है, उसने भगवान को चिट्ठी डाला, गुणाना सुत्वा कथम हे माधव तव दास्यपतम आधिपत्यम, गुणाना कथन बहुता, तुम्हारे गुण सुन करके मैं आपकी दासी बन गई, मन से आपको पति माना है, मेरे भाई रुक्मी ने मेरा विवाह, मेरी शादी शिशुपाल से त्याग करी, मुझे उस पापी से शादी नहीं करना है, आपको मैं पति रूप में स्वीकार करती हूँ, कृपया करके पधारो और मेरा हरण करके ले जाइए, मुझ गरीब पर दया करिए, मेरे पिता का तो कुछ चलता नहीं है, मेरा बड़ा भाई बड़ा विचित्र है और शिशुपाल उनका मित्र है, उनसे मेरी शादी होने वाली है, मेरी प्रार्थना है प्रभु आप मुझे ले जाओ, अगर आप नहीं आएंगे तो मैं प्राण को त्याग दूंगी। बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, रुक्मिणी ने चिट्ठी डाला, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, मोरे मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, भगवान से प्रार्थना करते हैं, सुनिए नाथ हमारी, ओ जन्म जन्म की लगी लगन है, जन्म जन्म की लगी लगन है, साक्षी कारो भरा गगन है, साक्षी कारो भरा गगन है, गिन गिन श्वास आस कहती है, गिन गिन श्वास आस कहते हैं, आएंगे श्री कृष्ण मुरारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी।
और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। तन मन धन प्राणों के स्वामी, तन मन धन प्राणों के स्वामी। करुणा करे आकर ये कहिए, करुणा करे आकर ये कहिए। स्वीकारी बिनती स्वीकारी, बिनती सुनिए रुक्मणि के साथ, गोपियों के साथ भगवान कृष्ण आ रहे। ताली से स्वागत कीजिए आप। हो सतत प्रतीक्षा अपलख लोचन, सतत प्रतीक्षा अपलख लोचन। हे भव बाधा विपति विमोचन, हे भव बाधा विपति विमोचन। स्वागत का अधिकार दीजिए, स्वागत का अधिकार दीजिए। शरणागत है नयन निहारे, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी। हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी, हृदयेश्वर हरि हृदय बिहारी। मोर मुकुट पीतांबर धारी, बिनती सुनिए नाथ हमारी, बिनती सुनिए नाथ। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान। द्वारका से कुंदलपुर, रुक्मणी भगवती ने चिट्ठी में लिखा था कि मैं, हमारे कुल में नियम है, जब बेटी की शादी होती थी हमारे गांव के बाहर भगवती जगदम्बा का मंदिर होता है, वहां मैं पूजा करने जाओगी, वहां से आप मुझे ले जाएंगे। भगवान रथ लेकर आते दारू के साथ, जू ही रुक्मणी भगवती जगदम्बा माँ भवानी की पूजा करने आई, पूजा करके बाहर निकली, यही भगवान ने रथ में बिठा दिया। शिशुपाल जरासन दत्त भक्त रुक्मी आदि यादवों को पता चला, कौरों को पता चला, भगवान के पीछे लग गए। इधर बलदाऊ जी को पता चला, दाऊ जी यादवों को लेकर आए, भयंकर युद्ध हुआ। रुक्मी आया रुक्मणी का भाई, भगवान ने उसको बांध दिया और रुक्मणी को लेके भगवान द्वारका में आए। द्वारका में भगवान की जय जयकार हुई। बोलिए द्वारका अधिपति भगवान की। जब शादी का समय आया तो रुक्मणी के माता पिता हाजिर नहीं थे, इसलिए आधे द्वारका वाले रुक्मणी के कोई माँ बनी, कोई बाप बना, कोई बेटा बना, कोई भाई बना, कोई मामा बना, और आधे यादव कृष्ण की तरफ हुए। बारात दोनों कटी हुई, भगवान कृष्ण ने रुक्मणी के गले में वनमाला डाली, रुक्मणी ने कृष्ण के गले में वनमाला डाली, और लोगों ने भगवान की जय जयकार करी। बोलिए रुक्मणी भगवान की। फिर नारद जी आए ब्राह्मणों को लेकर, और ब्राह्मणों ने रुक्मणी और कन्हैया की छेड़ा छेड़ी बांधी, दोनों के चल्ले बांधे, और ब्राह्मणों ने कहा वसुदेव देवकी को कि ये दोनों नरवधु का पूजा कीजिए। वसुदेव देवकी ने भगवान कृष्ण की और रुक्मणी की पूजा की। ये आनंद बाबू के परिवार से ब्राह्मण देवता से प्रार्थना, उनका पूजन करावे और हम लोग आगे भगवान का कीर्तन करें। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधे नाम, ओ कन्हैया तेरी बंसी। जब भगवान की शादी हो रही थी, कृष्ण को राधा याद आ गई, बंसी याद आ गई, किसी ने गा लिया श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोक करे मीरा को यही बदनाम, लोक करे मीरा को यही बदनाम।
काम तोरी बंसी पुकारे राधा नाम, कन्हैया तोरी शादी हो जाए फिर नचाएंगे पुकारे राधा नाम, भोग करे मीरा को तुरी बजना स्वस्ति ना इंद्र व्रत स्वाहा, स्वस्ति ना भूखा विश्व वेदा, स्वस्ति ना रक्ष रक्ष अरिष्ट नेमी, स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु, ओम गणनंत गणपति हवामहे, प्रिय नंत प्रिय पति वामहे, निधि नंत्वा निधिपति हवा। ब्राह्मणों मंत्र बोलते हैं, वसुदेव देव की माता भगवान कृष्ण और रुक्ष्मणी का पूजन करते हैं, ब्राह्मण देवता भगवान कृष्ण और रुक्ष्मणी के ललाट में टीका लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, शकला की छत्री लगाते हैं, फूल लगाते हैं और ब्राह्मण पूजा करते हैं। ओम चंद्रमा मन सो जातु चक्षु सूर्यो अजायत मुखारविन्द्रिया प्राण अग्निर्वायु जायते सूर्य मा देवता चंद्रमा देवता बृहस्पते देवता सर्वभो देवता माता रपिता इष्ट देवता द्वारिकावती रुक्ष्मणी भगवानो नंद नंदनो वसुदेव पुत्र देवकी आनंद कंद विवाह मृतो लग्न तिथि धो शांति पृथ्वी शांति अतिरिक्त शांति शांति विश्व देवा शांति साम शांति सर्वन सपतय शांति शांति आप शांति सर्व औषधय शांति रेवा शांति मातृदेवता शांति पितृदेवता शांति कुल देवता शांति भवतु शांति ब्रह्म शांति घो शांति आप शांति सर्व विश्व शांति शांति भवंतु। बोलिए द्वारका शकी श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, भोग करे मीरा को यूं ही बजना, भोग करे मीरा को यूं ही बजना। ओ श्याम तेरी बंसी कन्हैया तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, बांसुरिया किसको पुकारे जिसके मन भावे वो उसी का गुण गाए। ओ कौन जाने बांसुरिया किसके मन भाए उसी के गुण गाए। ओ कौन जाने बांसुरिया किसको पुकारे जिसके मन भावे वो उसी का गुण गाए, जिसके मन भावे उसी का गुण गाए। कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, कौन नहीं बंसी की धुन का गुलाम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, श्याम तोरी बंसी कन्हारे राधा नाम, कन्हैया तोरी बंसी पुकारे राधा नाम, लोग करे मीरा को यूं ही बजना, लोग करे मीरा को यूं ही बजना। नाचते रखे ऐसे आनंद में रहो, जो भगवान के लिए नाचता है उस
उसको फिर दोबारा मरना नहीं होता है, दुनिया के लिए नाचना नहीं पड़ता है। जो दुनिया के लिए नाचता है वो भगवान के लिए नाच नहीं सकता। इसलिए मेरे भगवान कृष्ण रुक्मणी अपनी सखियों के साथ खड़े हैं। सारी यादवों की पत्नी इसी तरह नाच रहे थे द्वारका माँ, और भगवती माँ देवकी की छोटी बहन भी वो कहती है ओ यमुना किनारे बंसी बटकी भैया किसको कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया हो। यमुना किनारे बंसी बटकी भैया किसको पुकारू मैं किशन कन्हैया, किसको पुकारू मैं किशन कन्हैया। श्याम का दीवाना ओ श्याम का दीवाना, श्याम का दीवाना तो सारा ब्रज धाम, श्याम तो राधा का भीषा, राधा का भीषा मो तो मीरा का भीषा। श्याम तोरी बंसी पुकारे राधा नाम, कन्हैया तोरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यू ही बजना, लोग करे मीरा को यू ही बजना। वृंदावन में जाम बंसी बजाए एक एक गोपी के रास रसाए, ओ वृंदावन में जाम बंसी बजाए एक एक गोपी रचाए, एक एक गोपी रास रचाए। कौन कहे बंसी का धुन का गुलाब, कौन करे बंसी का धुन का गुलाब। राधा का भीषम हो तो मीरा का भीषम, राधा का भीषम हो तो मीरा का भीषम। श्याम तोरी बंसी पुकारे राधा नाम, कन्हैया तोरी बंसी पुकारे राधा नाम। राधा का भीषम हो तो मीरा का भीषम। किसी के घर में शादी में जाते हो, बेटा हो बेटी, तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है, नहीं तो सारी जिंदगी गाते रहेंगे इसने मेरी बेटी को कुछ नहीं दिया, मेरे बेटे को नहीं दिया। ये तो भगवान के माँ बाप है, उसका विवाह हो रहा है, जिसके पास भगवान ने दिया हो तो उसको टिक्के में देना, भेंट देना, सौगात देना। क्योंकि द्वारका वालों ने रुक्मणी को बहुत कुछ दिया, किसी ने साड़ी, किसी ने हीरा मोती, हमारे पास हीरा मोती तो नहीं, रुपये तो है, वो दिया जाए भगवान के नाम। और वो दान थोड़ा गायों में देना आज और ब्राह्मणों को दे देना। इसलिए भगवान कृष्ण को वसुदेव कहते हैं ओ यमुना किनारे श्याम गैया चराए अपने मित्रों के साथ नाच नचाए, ओ यमुना किनारे श्याम गैया चराए गोप गोपियों के साथ नाच, अपने चराए गोप गोपियों से श्याम रास रचाए, गोप गोपियों से रास रचाए। कौन नहीं काना की नंद का गुलाम, कौन नहीं काना के नाम का गुलाम। राधा का भीषम हो तो मीरा का भीषम, सब भाइयों बहनों से भीषम भगवान का विवाह हो रहा है, कुछ ना कुछ देना। श्याम तोरी बंसी पुकारे राधा नाम, कन्हैया तोरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यूही बजना, लोग करे मीरा को यूही बजना। जाकर कुछ ना कुछ देना पड़ता है, ये भगवान रुक्मणी का विवाह हो रहा है, उसको कुछ ना कुछ 10, 5, 25, 50 भेंट देना। वो आज का जो पैसा है वो आधा गायों में जाएगा और आधा ब्राह्मणों को दिया जाएगा, मेरे को उसमें कुछ लेना देना नहीं है।
किसी की शादी में जाते हो तो कुछ ना कुछ देना पड़ता है। ये तो भगवान और रुक्मिणी का विवाह हो रहा है, द्वारका वालों ने बहुत भेंट दिया, तो हम भगवान को क्या दे सकते। ओ बंदरावे वन में श्याम गोवर्धन उठाए, देवी देवताओं ने पुष्प बरसाए। हो बृंदावन में श्याम गोवर्धन उठाए, ओ वन राते वन में श्याम गोवर्धन उठाए, देवी देवों ने पुष्प बरसाए। हो वन राते वन में गोवर्धन उठाए, देवी देवताओं ने पुष्प बरसाए। कौन नहीं व्रज का नाम का गुलाम, कौन नहीं व्रज के ये धाम का गुलाम। राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम, अरे राधा का भी श्याम हो तो मीरा का भी श्याम। श्याम तोरी बंसी पुकारे राधा नाम, कन्हैया तोरी बंसी पुकारे राधा नाम। तेरी मुरली काम तेरी बंसी, कन्हैया तेरी मुरली पुकारे राधा नाम। राधा कभी श्याम हो तो मीरा का विशाल, राधा कभी श्याम हो तो मीरा का विशाल। श्याम तोरी बंसी पुकारे राधा नाम, कन्हैया तोरी बंसी पुकारे राधा नाम। लोग करे मीरा को यू ही बजना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी गुण गाने लगी, महलों में पली बन की जोगन चली, महलों में पली। राधिका गोरी से नंद किशोरी से विवाह करा दे मोरी माई, राधिका गोरी से गिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊ तेरो ब्याह। नजर तेरी खोटी है कैसे करा दूं तेरो ब्याह। भगवान को विवाह हो रहा है रुक्मिणी का, जो जिसको भेंट देना चाहे आप देना। दुनिया को तो बहुत दिया, दुनिया को बनाने वाले तुम्हारे सामने पात्र आए रुक्मिणी कृष्ण, उसका विवाह हो रहा है। जिसको भगवान ने दिया देना, आज का आधा धन इस ब्राह्मणों को दिया जाएगा और थोड़ा धन गौशाले में डाला जाएगा। इसलिए कहते हैं जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊ। आज के बाद मेरी मैया तेरी डहली पर ना आऊ, आज के बाद मेरी मैया तेरी डहली पर ना आऊ। अरे आएगा राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरी से बिरज के छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊ तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगने में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगने में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। अरे दाऊ से
राधिका गोरी से, पीरस की छोरी से मैया करा दे होगा। राधिका गोरी से तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊ तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दू तेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाओ, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, और भोजन में बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दू तेरो ब्याह। हिवड़े से अपने लगाई, लेके भलैया मैया हिवड़े से अपने लगाई, नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से तेरी छोटी है, कैसे कराऊं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। अरे वृंदावन में धूम मचावे बर जाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बर जाने की छोरी। ब्रज धाम राधा झुकी, अरे ओ ब्रज धाम
धाम राधा झुकी ब्रजधानी लागे, ब्रजधानी लागे, मन कारो कारो यमुना दीनो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़े राधा मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, काना नित मुरली में तेरे सुमरे बारंबार, अरे कोटिन रूप धरे मनमोहन चहुन पावे पारे, कोटिन रूप धरे मनमोहन चहुन पावे पारे, रूप रंग की सभी लिपट रानी लागे, पट रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पारी लागे, अब ना कोई मिठाई, ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई, मारी जी भावे अब तो राधा नाम मलाई, मारी जी भड़िया ने भावे अब तो राधा नाम मलाई, व्रज भानु की ललित कूड़े धानी लागे, कूड़े धानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पारी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पारी लागे, अरे राधा राधा नाम रट है जे नर आठो धाम, राधा राधा नाम रट है जे नर आठो धाम, अरे दिन की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, दिन की बाधा दूर करत है राधा राधा नाम, सफल जिंदगानी लागे, जिंदगानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे, मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी नो पानी लागे, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे बाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, हारो बीच में मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हारो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, अरे कारी कारी गैया गोरे गोरे बाल, कारी कारी छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हालो छोटो सो मेरो Thank you.
खाए मेरो मदन गोपालो, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, हरो छोटो सो मेरो मदन गोपाल। ओ नंद जिसका बापा है, यशोदा जिसकी मैया, नंद जिसका बापा है, यशोदा जिसकी मैया। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। श्री श्याम प्यारे आ जाओ, श्री श्याम प्यारे प्यारे आ जाओ, घन श्याम प्यारे आ जाओ, हे भगतन के सहारे आ जाओ, भगतन के सहारे आ जाओ, श्री श्याम प्यारे आ जाओ, श्री श्याम प्यारे आ जाओ, श्री श्याम प्यारे आ जाओ। हे मन मंदिर सुना सुना है, मन मंदिर बिन तेरे फिर भी जीना है, बिन तेरे फिर भी जीना है, जीवन को संवारने आ जाओ, श्री श्याम प्यारे आ जाओ, श्री श्याम प्यारे आ जाओ। हम तेरे दर्शन तरस रहे, हम तेरे दर्शन को तरस रहे, नैना सावन को बरस रहे, नैना सावन को बरस रहे, प्रभु नैन मिलाने आ जाओ, श्री श्याम प्यारे आ जाओ, श्री श्याम प्यारे आ जाओ। घन श्याम प्यारे आ जाओ, घन श्याम प्यारे बोलिए द्वारका में। रुक्ष्मणी विवाह हुआ, अब कल अंतिम है, कल पूर्णावती है, कल अंतिम सुदामा चरित्र होने के बाद कथा को विराम दिया जाएगा। आइए अब भगवान की आरती करते हैं और कल का अन्नकूट का प्रसाद लेके आप सहेंगे। कल पूर्णावती तो जहां तक आनंद बाबू का नाता है, मामा मामी का, भाई भाई का, भाभी का, चाचा का, चाची का, दादा का, दादी का, समाज का, सगे संबंधी का, अपनी जात का, अपनी कास्ट का, उन सब समाज भाइयों बहनों को हम व्यास गादी से, आज भगवान कृष्ण के रुक्मिणी विवाह से, आप सब आनंद बाबू के समाज को, उनके परिवार को, उनके सगे संबंध सबको बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, और तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। धन्य है आनंद बाबू, उनके माता पिता, उनके परिवार, और धन्य है उनके पितृ के उनकी निमित्त कथा हो रही। जो रह गए वो रह गए, जो आ गए वो ना गए, और जो ना गए वो पा गए, और बाहर रहे वो भूल गए, भूल हुए वो बर्बाद हुए, और आए वो आबाद हो गए। इसलिए भागवत की कथा में आप जो भी माताएं बहनें भाई बहन सब बाहर गांव से आए हुए, यहाँ से आए हुए, आजू बाजू से आए हुए, सबका हम आनंद बाबू परिवार की तरफ से आपका तालियों का स्वागत करते हैं। और भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की आप सबको शुभकामना देते हैं और तीन बार कहते हैं बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बोल द्वारका की जय। इसी तरह भगवान कृष्ण और रुक्मिणी का पहला विवाह द्वारका में हुआ, दूसरा सद्वमा जामवंती यमुना तप्ती नग्नजती सत्या आदि विवाह होता है, वो कथा कल करेंगे। सुदामा चरित्र का भी कल आपको विस्तार से सुनाएंगे, फिर से कल कथा के इसी दौर पे चलेंगे। आइए खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पर, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी विराजमान के चरणों में प्रणाम कीजिएगा। ये कोई नाटक नहीं है, हमारे वृंदावन मथुरा में ये हो गया है। वो राधा कृष्ण का विवाह हुआ, राधा कृष्ण का कुमन हुआ, कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ, आपके सामने है, उनको प्रणाम कीजिएगा, अपने स्थान पे हो जाइए। और आज की कथा का पूर्ण
आपके पितृ को अर्पण किया जाता है। आइए भगवान से प्रार्थना करते, बोलिए द्वारकाधीश की जय। हाथ में पानी रखे, मैं जो बोलू सुनना, आज का पुण्य बड़ी महिमा का है। भगवान गोकुल मथुरा छोड़कर द्वारका में जब शादी हुआ तो पितृ लोक आए थे भगवान के, और उनके भाई को जो कंस ने मार डाला था वो भी आए थे। तो आज की कथा का पुण्य आपके पितरों को देना है। जो मैं बोलूं प्यार से सुनिएगा, हाथ में जल रखिएगा। आनंद बाबू के चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी, बहन जो भी हो, सब रहे, बाकी के हाथ जोड़े, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम विष्णु ऋषि गणेशाय पिता महाब्रह्मा भगवान विष्णु विश्वनाथाय जगदम्बे इष्ट देवता कुल देवता मातृदेवता पितृदेवता सर्व आशीर्वाद प्राप्ति अर्थे विष्णु विष्णु सुते समिति पुराण उक्ते पुण्य फल प्राप्ति अर्थे आत्म कल्याण थे भारत वर्षे एरादम्बे जम्बू दीपे 28वां युगे कलयुगे प्रथम चरणे आगरा निवास स्थाने विश्व शांति अर्थे श्रीमद भागवत कथा महापुराण पितृ निमित्ते पितृ आत्मा सदगति अर्थे पितृ आत्मा आशीर्वाद प्राप्ति अर्थे उत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण मापक्षे तृतीयाम तिथि बुधवास्तरे सब बोलो मम सर्व दुख दारिद्र रोग कष्ट व्याधि व्याधि उपाधि सर्व पाप दोष शांति अर्थे काल सर्प दोष नारायण बलि दोष मातृ दोष पितृ दोष मूठ चोट नजर यंत्र तंत्र अला बला सर्व पाप दोष शांति अर्थे मम मातृदेव पितृदेव मोक्ष सद्गति आशीर्वाद प्राप्ति अर्थे मम।